अरे बहुत ही अच्छी बात है 377 के बारे में. यू नो आई थिंक इंडिया शुड बी रियली प्राउड और कंग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी, क्योंकि इंसानियत सब इंसान है और ये इंसानियत की जीत है. जिंदाबाद सुप्रीम कोर्ट, जिंदाबाद. अच्छी बात है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है तो उसको सेलिब्रेशन की बात है हम सब के लिए. बहुत ही बढ़िया डिसीजन है. लव इज इनफ बिकॉज प्यार की जीत हुई है. बिल्कुल, आज के बहुत ही हैप्पी इवेंट पे जो डिसीजन हुआ है उसके लिए मैंने ये टी शर्ट भी पहना है. लव इज़ इनफ क्योंकि वही मायने रखता है, प्यार मायने रखता है. एंड मैं बहुत खुश हूँ आज के फैसले से. थैंक यू सो मच. थैंक यू. यस, वी आर वेरी वेरी हैप्पी. आई थिंक एवरी वन रियली हैप्पी बिकॉज लाइक इट्स ऑलवेज बीन सेड दैट यू नो लव हैज़ नो बाउंड्रीज एंड एवरी वन शुड हैव द राइट टू लव हूएवर दे वांट टू. एंड आई थिंक फाइनली यू नो इट हैज़ हैपेंड हियर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. आई एम वेरी हैप्पी फॉर एवरीवन. Thank you. I would like to say that you know, we as a humanity, as a race, we must move towards a situation where in our heart, in our mind, we feel compassionate and a general sense of brotherhood with the entire race, regardless of their sexual orientation, lifestyle choices. As long as they're not harming somebody else with their actions, we have to move to a society where we live and let live. We have to move ahead of judgment. So I think this change, the decriminalization, is a step in that direction. Because with judgment comes condemnation. With condemnation comes harassment. That's not the sign of a progressive society. So yeah. Kudos, kudos, kudos. बहुत ही बहुत बहुत खुशी की बात है और आप सबको भी इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई हो. I think I'm standing here as a proud Indian today. I'm so proud of this decision and I'm so proud कि ये आज भारत में हुआ है. ये एक मेरे लिए, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक example है और देशों के लिए जो अभी भी काफ़ी पीछे हैं, जो अभी भी जिनमें humanity की acceptance जैसे nature चाहता है acceptance हो वैसी नहीं है. Which is why it just makes me happy. I think it's all about love and giving love to people the way they are and respecting their individuality and ye individuality ki baat hai. So I'm very happy. Section 377 to bahut pehle abolish hona chahiye tha. Aaj historic day hai, pyar ki jeet hui hai aur we have proven that India is one and RIP section 377. Thank you. मैंने शाम को एक ट्वीट किया था कि नॉर्मल इज समथिंग दैट इज सैंक्शन बाय सोसाइटी बट नोबडी इज नॉर्मल. वी आर वी, यू आर यू. सो जस्ट बी यू एंड एवरीबडी हैज़ द राइट टू बी देमसेल्व्स. एवरीबडी हैज़ द राइट टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग सेक्सुअल प्रेफरेंसेस. So to criminalize a personal choice goes against the Constitution of India, and I applaud the judgment given today. It shouldn't have been criminalized in the first place, but I'm glad it has been eradicated. And congratulations to the LGBT community. Very, very happy and very, very excited that 377 section has been scrapped. And it's very, very important to make people feel inclusive. They are as human beings as we are, and I think it's a great, great idea, a great decision, a great judgment has been taken. I'm very happy for the whole community, and I think it's very important not to feel threatened when you're choosing your partner. And ab wo freedom sabke paas hoga to choose who they want to be, irrespective of the gender. So that's a great thing. 377. हम लोग सोच रहे 378 को भी कुछ करना चाहिए. बिकॉज उसके बाद 378 आएगा ना, 377 तो हो गया. वेरी गुड, फैंटास्टिक. आई थिंक इट्स अ बिग डिसीजन. और देखिए, आर्टिकल्स पास हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन होना चाहिए. जैसे कि ह्यूमन राइट्स हैं, नहीं आप ये नहीं कर सकते लेकिन सब कर रहे हैं. आप मार नहीं सकते लेकिन मार रहे हैं, सब हो रहा है. तो एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एक हो गया कि ये होना चाहिए,
लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली होता है सड़क पे, दैट इज द मेन थिंग. एंड आई होप द जस्टिस शुड बी, जस्टिस शुड प्रिवेल, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होना चाहिए. आई थिंक इट्स एक्सिलरेटिंग. व्हेन आई डिड द कैरेक्टर आई डिडंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ मूवमेंट. आई डेफिनेटली डिडंट थिंक इट्स गोइंग टू बी हिस्टोरिक. एंड टुडे इट इज, एंड इट फील्स लाइक दैट. एंड इट्स जस्ट सो, इट्स सो हम्बलिंग. And honestly speaking, I was following the verdict from 11 a.m. and at 11:40 when it was said that now 377 is scrapped and 377 doesn't exist anymore, I had this big huge smile on my face and I haven't been able to wipe it off. So I'm very happy. Thank you.